नमस्कार, मैं शुभम गुप्ता। हमारे इस खास कार्यक्रम बात जनहित की में आपका स्वागत है। आज के इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं राजनीति के अपराधीकरण की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वास्तव में आज अपराधियों का चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना हमारी निर्वाचन व्यवस्था का एक नाजुक अंग बन गया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार संसद के 46% सदस्य आपराधिक पृष्ठभूमि से हैं। हालांकि अधिकतर सांसदों पर मानहानि जैसे अपेक्षाकृत छोटे अपराधों के मामले दर्ज हैं। असल चिंता का विषय यह है कि मौजूदा लोकसभा सदस्यों में सर्वाधिक 29% सदस्यों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि पिछली लोकसभा में ये आंकड़ा तुलनात्मक रूप से कम था। राजनीति का अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र का एक स्याह पक्ष है, जिसके मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग ने कई कदम उठाए हैं, किंतु इस संदर्भ में किए गए सभी नीतिगत प्रयास समस्या को पूर्णतः संबोधित करने में असफल रहे हैं। राजनीति के अपराधीकरण का अर्थ है राजनीति में आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे लोगों और अपराधियों की बढ़ती भागीदारी से है। सामान्य अर्थों में यह सब आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का राजनेता और प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने का घोतक है। वर्ष 1993 में वोहरा समिति की रिपोर्ट और वर्ष 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग NCRWC की रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि भारतीय राजनीति में गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। वर्तमान में ऐसी स्थिति बन गई है कि राजनीतिक दलों के मध्य इस बात की प्रतिस्पर्धा है कि किस दल में कितने उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, क्योंकि इससे उनके चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाती है। पिछले लोकसभा चुनावों के आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो यह स्थिति है कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले सांसदों की संख्या वृद्धि हुई है। नेशनल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जहां एक और वर्ष 2009 में गंभीर आपराधिक मामलों वाले सांसदों की संख्या 76 थी, वहीं 2019 में ये बढ़कर 159 हो गई। इस प्रकार 2009 से 2019 के बीच गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या में कुल 109% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये तो रही लोकसभा की बात, अब बात करते हैं यूपी विधानसभा की। अखिलेश सरकार की समाजवादी सरकार में 2 मार्च 2013 के दिन कुंडा प्रतापगढ़ में बहुचर्चित CO जियाउल हक हत्याकांड हुआ था, जिसमें अखिलेश सरकार में बाहुबली मंत्री रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया पर आरोप लगे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। पुलिस कर्मियों ने पहले भी गंवाई जान। 2004 में नक्सलियों ने PSC के ट्रक पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें PSC के 13 जवानों समेत 17 पुलिस वाले मारे गए। 2007 में कुख्यात डकैत धोकिया द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में STF के 5 जवान और एक मुखबिर मारा गया। 2018 में शामली के मुकीम काला गिरोह के बदमाश शब्बीर अहमद के साथ मुठभेड़ में कांस्टेबल अंकित कुमार की सिर में गोली लगने से मृत्यु हो गई। ऐसी ही घटना 1981 की है, जब डाकू छवि राम यादव के गिरोह ने पुलिस टीम पर घात लगाकर हमला किया और इसमें इंस्पेक्टर राजपाल समेत पुलिस और PSC के 9 जवान मारे गए। पिछले साल जुलाई में जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर रोहित संधु को मुजफ्फरनगर अदालत से मिर्जापुर जेल ले जाया जा रहा था, तब उसके गिरोह ने पुलिस दल पर हमला कर दिया था, जिसमें इंस्पेक्टर दुर्गा बिज सिंह की गोली लगने से मौत हो गई थी। रामराज का दावा करने वाली योगी सरकार के राज में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NRCB की 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार 3 लाख FIR के साथ अपराध में यह देश का सिरमौर राज्य है। मायावती की कानून व्यवस्था का सच। मायावती शासन में ही कई बार बसपा विधायकों और मंत्रियों पर बलात्कार के आरोप लगे और सरकार आरोपियों को बचाने के लिए भरसक प्रयास भी करती रही। यही वो दौर था जब मायावती ने बतौर मुख्यमंत्री बलात्कार पीड़िताओं के लिए 25,000 रुपये मुआवजे का ऐलान किया था, जिस पर जुलाई 2009 में कांग्रेस की तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने मायावती के साथ ही बलात्कार हो जाने का चर्चित बयान दे डाला था। बयान के बाद रीता गिरफ्तार तो हुई थी, साथ ही बसपाइयों ने रीता और कई कांग्रेस के घरों पर हमला और तोड़फोड़ करते हुए पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति पैदा कर दी थी। मायावती के शासन में एक नहीं अनेक मामले ऐसे हुए जिनमें बसपा नेताओं पर बलात्कार और हत्याओं के गंभीर आरोप लगे और अपराधियों पर सख्ती बरतने का दावा करने वाली मायावती की सरकार
आरोपियों को बचाती रही। कई बार वह आरोपियों को बचाने में सफल भी रही और कुछ मामलों में अदालत के दखल के बाद कार्रवाई करनी पड़ी। आइए कुछ ऐसे काफ़ी चर्चित रहे मामलों पर एक नज़र डालते हैं। फरवरी 2011 में कालपी के बसपा विधायक छोटे सिंह चौहान पर एक दलित महिला ने अपने साथ बलात्कार का आरोप लगाया। आवाज़ उठाने पर महिला की बेटी के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या भी कर दी गई। 2017 में फिर से बसपा की तरफ से छोटे सिंह चौहान को टिकट दिया गया। आपको बता दें, हाल ही में छोटे सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हुए हैं और उनको कालपी विधानसभा से टिकट का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ऐसा ही एक मामला जनवरी 2008 का है। बसपा के विधायक योगेंद्र सागर पर एक लड़की के अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज हुआ। योगेंद्र पर आरोप है कि बदायूं में एक लड़की का अपहरण कर उसे मुजफ्फरनगर और लखनऊ में कई दिनों तक रखा गया और उसके साथ बलात्कार किया गया। शिकायत करने पर लड़की के दो भाइयों के खिलाफ ही एक लड़की के अपहरण का मामला दर्ज करा दिया गया। पुलिस ने जांच के बाद विधायक को क्लीन चिट दी। कोर्ट के दखल के बाद मामला दर्ज हुआ। बलात्कार पीड़ित लड़की की वकील साधना शर्मा की भी हत्या करा दी गई। इस हत्या के मामले में भी योगेंद्र सागर नामजद हैं। जब मामला बहुत तूल पकड़ गया तब मायावती ने उन्हें निकाला। 2012 में योगेंद्र की ही पत्नी को बसपा ने टिकट दे दिया। ऐसे ही 1 जनवरी 2009 को मायावती शासन में मत्स्य आयोग के अध्यक्ष राममोहन गर्ग को सीमा चौधरी नाम की महिला के यौन शोषण और मारपीट के मामले में गिरफ्तार करना पड़ा। गर्ग ने नवंबर 2007 में बहुचर्चित ताज कॉरिडोर मामले की सुनवाई लखनऊ से हटाकर सुप्रीम कोर्ट में करने की याचिका डाली थी। बाद में मायावती से उसका समझौता हुआ था और उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। 2007 में ही बसपा के टिकट पर डिबई सीट से विधायक चुने गए गुड्डू पंडित पर मायावती के शासन में ही एक लड़की के साथ बलात्कार का आरोप लगा था और वो गिरफ्तार हुए थे। गुड्डू पंडित बलात्कार और हत्या के मामले में 8 साल जेल रह चुके हैं। गुड्डू सपा में होते हुए अब भाजपा में आ चुके हैं। गुड्डू पर शोध छात्रा ने रेप करने और जबरन बंधक बनाने की कोशिश का आरोप लगाया था। मायावती के शासनकाल में ही 2010 में बांदा जिले की नरेनी सीट के विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी पर बसपा कार्यकर्ता अच्छे लाल निषाद की बेटी शीलू के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। शिकायत करने पर शीलू को चोरी के आरोप में जेल भिजवा दिया गया। कैबिनेट सचिव शशांक शेखर तक ने पीड़िता को ही झूठा और चोर बताया था। कोर्ट के दखल के बाद विधायक पर मामला दर्ज हुआ और फिर 10 साल की सजा भी हुई। मायाराज में ही दिसंबर 2008 में औरैया में इंजीनियर मनोज गुप्ता की बसपा विधायक शेखर तिवारी ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। इंजीनियर मनोज गुप्ता ने मायावती के जन्मदिन के लिए चंदा देने से मना कर दिया था। विधायक को बाद में इस मामले में उम्र कैद की सज़ा हुई। उनकी पत्नी को 2.5 साल की कैद हुई। माया सरकार में मंत्री रहे आनंद सेन यादव पर एक बसपा कार्यकर्ता की बेटी के अपहरण और हत्या का आरोप लगा। चर्चित शशि हत्याकांड में उन्हें उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई, लेकिन बाद में हाईकोर्ट से बरी होने में वे सफल रहे। आनंद सेन ने 2007 का चुनाव जेल में ही जीता था और मायावती ने उन्हें जेल में रहते ही उन्हें मंत्री बनाने का ऐलान कर दिया था और जमानत पर छूटने के बाद वो मंत्री पद की शपथ ले सके थे। मायावती के शासनकाल में मंत्री रहने के दौरान पिपराइच के विधायक रहे जमुना प्रसाद निषाद ने जून 2008 में महाराजगंज थाने पर अपने समर्थकों के साथ उपद्रव मचाया। बसपा के समर्थकों की गोली से एक सिपाही की मौत हुई। बाद में जमुना प्रसाद गिरफ्तार हुए, लेकिन जेल में भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत बसपा नेता उनसे मिलते रहे। जमुना प्रसाद की अब मौत हो चुकी है। अक्टूबर 2011 में मायावती सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री और चित्रकूट से विधायक दधू प्रसाद पर एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया और कार्रवाई ना होने पर लखनऊ में एसपी ऑफिस के सामने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। कैबिनेट मंत्री का पद संभाल रहे दधू पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वे उस महिला को आरोप वापस लेने पर मजबूर करने में सफल रहे। बाद में दधू और मायावती में मतभेद हुए तो दधू बसपा से निकाल दिए गए। जनवरी 2011 में मायावती सरकार में शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के भतीजे सुनील मिश्रा पर इलाहाबाद की एक नाबालिग लड़की के साथ अपहरण और सामूहिक बलात्कार का आरोप लगा। मंत्री पर भी लड़की को डराने धमकाने का आरोप लगा। बाद में पुलिस सुनील का नाम मामले से अलग करने में सफल रही और अन्य आरोपियों पर कार्रवाई हुई।
बड़े पुलिस अधिकारी मंत्री के भतीजे का बचाव करते नजर आए। मंत्री राकेश धर त्रिपाठी बाद में आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में भी रहे हैं। इन सभी मामलों को याद करें तो ये कहा जा सकता है कि मायावती के शासनकाल में भी सरकार के संरक्षण में ही अपराध काफ़ी फल फूल रहे थे, और ये केवल भ्रम ही है कि मायावती के मुख्यमंत्री बनने पर अपराध बंद हो जाते हैं और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होती है। मायावती ने एक बयान में कहा था, उत्तर प्रदेश में बीजेपी शासनकाल में भी जिस प्रकार से हर प्रकार का अपराध बढ़ने से यहाँ पूरी तरह से जंगलराज की अराजकता चल रही है, वह किसी से भी छिपा नहीं है। ये सब पिछले समाजवादी पार्टी शासनकाल से कुछ भी कम नहीं है। उन्होंने कहा, इसी कारण पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और फिर ब्लॉक प्रमुखों के अप्रत्यक्ष चुनाव में सपा की तरह ही बीजेपी ने भी धनबल, बाहुबल व सत्ता के घोर दुरुपयोग सहित अन्य अनेक हथकंडे अपनाकर अधिकतर सीटें जीतने का दावा किया है, जो जनता की बेचैनी बढ़ाने व एक बार फिर यहाँ लोकतंत्र की सही स्थापना के बजाय जनतंत्र को शर्मसार करने वाला है। यह अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय व सभी के लिए अति चिंताजनक भी है। एसपी सुप्रीमो ने कहा कि सत्ता को जैसे तैसे और किसी भी कीमत पर हत्याने की भूख और इसी दौरान सैया भय कोतवाल अब भय काहे का की कहावत को चरितार्थ करते हुए उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान धनबल, बाहुबल, पुलिस और सरकारी मशीनरी का घोर दुरुपयोग हुआ। साथ ही कहा कि पंचायत चुनाव में इसके साथ साथ व्यापक धांधली, अपहरण, हत्या व महिलाओं के साथ अभद्रता आदि की घटनाएं घटित हुई हैं। लोकतांत्रिक सोच व व्यवस्थाओं को आघात पहुंचाती हैं, उन्हें शर्मसार करती हैं। उन्होंने कहा कि इन सब के बावजूद सरकार द्वारा जीत का दावा व जश्न आहत जनता के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है, तो फिर ये और क्या है। मायावती ने कहा कि वैसे तो यूपी में पिछले कई सालों के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ही रही है व पंचायत चुनावों के दौरान भी दबंगई, अपहरण, अराजकता का माहौल आदि स्वाभाविक ही था। उन्होंने कहा कि इसलिए सरकार की नीति व नियत को भांपकर ही बसपा ने पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और फिर ब्लॉक प्रमुखों के अप्रत्यक्ष चुनाव को नहीं लड़ने का ही फैसला उचित समझा, जो बाद के चुनावी घटनाक्रमों के मद्देनज़र बिल्कुल सही फैसला साबित हुआ। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि बसपा का मतलब है सबको न्याय व सबको सम्मान और अन्याय किसी के साथ नहीं। लोगों को यह सब स्मरण रखते हुए ही आगे की तैयारी करनी है। अब चुनाव के समय में लुभावने वादों, धार्मिक भावनाओं व शिलान्यास आदि के बहकावे में नहीं आना है। उन्होंने लोगों से अपने परिवार, समाज व प्रदेश के व्यापक हित में सही फैसले लेने की अपील की। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिली है। कटघरे में सपा सरकार आंकड़े बयान करते हैं। सपा सरकार में अपराध की घटनाओं के बढ़ने की तस्दीक राज्य अपराध ब्यूरो और राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े भी करते हैं। लिहाजा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर अगर प्रदेश की कानून व्यवस्था का आकलन करें तो समाजवादी पार्टी की सरकार कटघरे में खड़ी नजर आती है। अगर मायावती के शासनकाल पर नज़र डालें तो सपा के कार्यकाल में बसपा की सरकार की तुलना में 16% अपराध बढ़ा है। एक तरफ जहां बसपा के शासनकाल में हर रोज 5,783 घटनाएं होती थीं, तो सपा के कार्यकाल में यह आंकड़ा 6,433 तक पहुंच गया। लेकिन इन आंकड़ों पर सपा का कहना है कि यह संख्या इसलिए बढ़ी है क्योंकि अब FIR दर्ज की जाती है। उत्तर प्रदेश में 2014 से 2015 में दुष्कर्म की घटनाओं में 161% की बढ़ोतरी हुई थी। राज्य अपराध ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2014 में 3,467 दुष्कर्म की घटनाएं हुई, जो कि 2015 में बढ़कर 9,075 पहुंच गई। यही नहीं, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की आंकड़ों पर नज़र डालें तो प्रदेश में 70% घटनाएं सपा विधायकों और सपा मंत्रियों के इलाके में हुई है। पिछले 4 सालों में 93 लाख से ज़्यादा आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिसमें प्रदेश की राजधानी सबसे आगे रही। अकेले लखनऊ में 2,78,000 आपराधिक घटनाएं हुई, जहां गौर करने वाली बात यह भी है कि लखनऊ में 9 में से 7 विधायक सपा के हैं, जिसमें 3 विधायकों के पास मंत्री का दर्जा है। विगत वर्ष उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 जुलाई की रात को बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने पुलिस की टीम गई थी। इस टीम पर बदमाशों ने छतों से फायरिंग कर दी, इसमें एक DSP समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इस पूरी घटना के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।
राज्य के पूर्व मंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर अपराधियों और सरकार के बीच मिलीभगत होने का आरोप लगा दिया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर यूपी के क्राइम पर सवाल उठाए। हालांकि ये तो रही राजनीतिक बातें, लेकिन सरकारी एजेंसियों का डाटा भी इस ओर इशारा करता है कि यूपी में क्राइम देश में सबसे ज़्यादा है। भास्कर ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के डेटा के जरिए उत्तर प्रदेश में क्राइम का क्या स्तर है इसके बारे में जानने की कोशिश की। देश में सबसे ज़्यादा 11.5% अपराध यूपी में हुए। NCRB के डेटा के मुताबिक 2018 में देश भर में 50,74,634 अपराध दर्ज किए गए थे। यह आंकड़ा 2017 की तुलना में 1.3% ज़्यादा था। इनमें भी अकेले उत्तर प्रदेश में इस साल 5,85,157 क्राइम रिकॉर्ड हुए थे। इस हिसाब से 2018 में देश भर में जितने भी क्राइम रिकॉर्ड हुए उनमें से सबसे ज़्यादा 11.5% मामले अकेले यूपी में दर्ज हुए थे। वायलेंट क्राइम यानी ऐसे अपराध जिनमें हिंसा हुई है, जैसे बलात्कार, बलात्कार की कोशिश, हत्या, हत्या की कोशिश, चोरी, डकैती, दंगा या फिर हिंसा भड़काना और वगैरह वगैरह। ऐसे वायलेंट क्राइम में भी यूपी देश में टॉप पर है। 2018 में देश भर में 4,28,134 वायलेंट क्राइम दर्ज हुए थे। इनमें से 65,155 मामले अकेले यूपी में दर्ज हुए थे। यानी देश में जितने वायलेंट क्राइम रिकॉर्ड हुए उनमें से 15% यूपी में दर्ज हुए थे। इतना ही नहीं, 2018 में देश में 29,017 मर्डर हुए थे। इनमें से सबसे ज़्यादा 4,018 हत्याएँ यूपी में हुई। 1,00,000 से ज़्यादा किडनैपिंग हुई थी, जिनमें 21,000 से ज़्यादा किडनैपिंग यूपी में हुई। बलात्कार के मामलों में भी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद यूपी तीसरे नंबर पे था। बलात्कार की कोशिश के मामलों में यूपी पहले नंबर पे था। देश भर में 4,097 बलात्कार की कोशिश के मामले रिकॉर्ड हुए थे। इनमें से सबसे ज़्यादा 661 मामले यूपी में दर्ज हुए थे। तो आज के लिए बात जनहित की में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे 2017 के बाद क्या रहा यूपी का आपराधिक इतिहास। साथ ही हम बात करेंगे किस पार्टी में कितने दागी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।